विविध विकास कामांच्या भूमिपूजन प्रसंगी उद्घाटन प्रसंगी निराळे नगरच्या आपल्या जिल्ह्यात भागाला वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या लोकार्पण सोहळ्याकरता उपस्थित विश्वनेता आपल्या देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, महामहिम राज्यपाल माननीय बाई साहेब, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांच्या सर्व उपस्थित केंद्रीय मंत्री दानवे साहेब, भागवतराव कराड साहेब, सर्व मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी आमदार खासदार आणि तमाम समोर जमलेला हा जो लाखाच्या समोर उपस्थित माझे बंधू भगिनी आणि उपस्थित मित्र आहो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साई नगरी के पवित्र भूमि में मैं तहे दिल से नगरवासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नगर जिला संतों की भूमि से पहचाना जाता है। स्वातंत्र संग्राम में रावसाहेब पटवर्धन बंधु जैसे कई बहादुर भूमिपुत्रों ने आपका योगदान दिया। हिंदू धर्मरक्षक अहिल्याबाई होलकर जी का श्रद्धा स्थान इस भूमि में है। विश्व शांति का संदेश देने वाले संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माउली इनकी ये भूमि है। श्रद्धा और सबूरी के मंत्र पे चलने वाला जो संदेश हमको दिया है वो साईं बाबा की भूमि है। सहकारिता आंदोलन जिसकी नींव रखी गई पद्मश्री विखे पाटिल जी ने उनकी ये भूमि है। मैं आज इस अवसर पर जो है जहाँ यह लोकार्पण या भूमि पूजन जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसमें अहम तो निळवंडे डैम का मैं जिक्र करूंगा। 40 साल की प्रतीक्षा हमारी खत्म हो गई और आपके कर कमलों द्वारा इस निळवंडे डैम का जो आज उद्घाटन हुआ है सबसे बड़ी खुशी हमारे अकाल सूखा पड़ी इलाकों के किसानों को हुआ है। अभी भी और 15-20 साल उसको लगता था लेकिन हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जब थे उनके नेतृत्व में और ज्येष्ठ नेता हमारे मधुकर आदिवासी नेता मधुकर पिचड़ जी ने उसको काफी आगे ले जाने की पूरी कोशिश पहल की और उसके कारण आज ये उद्घाटन 16 संपन्न होने जा रहा है। 35-40 साल लोगों ने संघर्ष किया, इसका मन की बात में भी आपने जिक्र किया था। सरकार का आंदोलन का मैंने जो जिक्र किया उसके आंदोलन के चलते इस जिले के लोक नेता पद्म भूषण बाला साहेब विखे पाटिल जी ने भी शिक्षा, आरोग्य एवं जल नीति के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था और इस भूमि में आप आए हैं। लोगों को मेरे पास शब्द नहीं है, एक विश्व नेता, एक प्रधान, एक लाडले पंतप्रधान हमारे भूमि में आ रहे हैं, इसके और क्या कौन सी गर्व की बात हो सकती है। ये निश्चित रूप में जो मुझे हर्ष हुआ है मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी जो आज महाराष्ट्र की सूखे की स्थिति है, मैंने देवेंद्र जी फडणवीस साहब को मैंने कहा है और ये महाराष्ट्र पानी परिषद की जो स्थापना मेरे पिताजी ने की थी, गणपतराव देशमुख, स्वर्गीय गणपतराव देशमुख ने की थी, पूरे नगर जिला नासिक मराठवाड़ा इस क्षेत्र को पानी देने की उन्होंने बात की थी, उसका जिक्र आज माननीय देवेंद्र जी करेंगे। मैं आज ज़्यादा समय तो लूंगा नहीं लेकिन आपके माध्यम से पिछले 9 साल में सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हर समाज घटकों को योजना के माध्यम से विकास प्रक्रिया में जोड़ लिया है और मैं अभिमान के साथ कहना चाहता हूँ कि नगर जिला ये योजनाओं की अमल बजाने में सबसे आगे रहा है। ये मैं आपको ये कहने में फख्र करता हूँ और इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। आप आए, हमारे निमंत्रण आपने हमें स्वीकारा
और हमें तभी जो लाखों लोग यहाँ बैठे हैं वो आपके स्वागत के लिए उत्सुक थे, आपने समय दिया, पुनः आपका स्वागत करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत दादा पवार जी से मैं विनती करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसं सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।